यह मूवी एक ऐसे फिक्शनल यूनिवर्स में सेट है जहाँ सभी फूड आइटम्स और ग्रोसरीज में ह्यूमन की तरह कॉन्शियसनेस है। यहाँ एक सुपरमार्केट में सभी ग्रोसरीज वगैरह को सेल किया जाता है। वहाँ सभी प्रोडक्ट्स को लगता है कि ह्यूमंस गॉड है जो उन्हें बाहरी दुनिया में ले जाकर हेवन तक डिलीवर करेंगे। वे बाहरी दुनिया को ग्रेट बियॉन्ड कहते हैं जहाँ सभी ग्रोसरीज के सपने सच होते। जब भी उन्हें कोई कस्टमर सिलेक्ट करता है तो वे काफी खुश होते थे यह सोचते हुए कि उन्हें ग्रेट बियॉन्ड ले जाया जा रहा है। एक रोज हमेशा की तरह वो स्टोर ओपन होता है और सभी ग्रोसरीज गाना गाकर अपने डेली रूटीन की शुरुआत करते हैं ताकि उन्हें कोई कस्टमर पिक करे। वही हम एक सॉसेज के पैक को देखते हैं जो आपस में बातें कर रहे थे। उन्हीं में से एक सॉसेज बैरी जो उनमें सबसे छोटा होता है उसका सब मजाक उड़ा रहे थे। फ्रैंक जो बैरी का बेस्ट फ्रेंड था उन्हें रोकता है। तभी उन्हें किसी के चिल्लाने की आवाज सुनाई देती है। वे देखते हैं कि वो स्टोर का मैनेजर उनकी ओर बढ़ रहा था। जैसे ही वो खराब और एक्सपायर प्रोडक्ट को देख रहा था सारे प्रोडक्ट्स डर के मारे चिल्लाने लगते है। वही एक जैम वहां से भागने लगता है पर उसे मैनेजर उठाकर डस्टबिन में डाल देता है। आगे वो अपना हाथ फ्रैंक की पैकेट की तरफ बढ़ाता है। लकीली वो उनके पीछे के पैकेट को उठाकर डस्टबिन में डालकर वहां से चला जाता है। उसके जाने के बाद फ्रैंक अपनी गर्लफ्रेंड ब्रिंडा से बातें करने लगता है। वो एक दूसरे का हाथ पकड़कर ग्रेट बियॉन्ड में यूनाइट होने की बातें करते है। वही दूसरी ओर हम देखते हैं कि एक कस्टमर वहां पे एक मस्टर्ड जार रिटर्न करने आया था जो वो गलती से ले गया था। वो जार बाहरी दुनिया के बारे में जानकर काफी डरा हुआ होता है। इससे पहले कि वो उन्हें कुछ बता पाता वहां एक लिकर बॉटल फायर वाटर उसे शांत रहने की धमकी देता है। वही दूसरी ओर एक लेडी कस्टमर फ्रैंक और ब्रिंडा दोनों को एक साथ पैक कर लेती है। वे एक साथ आकर काफी खुश होते है। वही वो कस्टमर उस डरे हुए मस्टर्ड जार को भी पैक कर लेते है। वहां पर वो जार सबको चिल्ला कर बाहरी दुनिया के बारे में वार्न करता है। वो समझाता है कि ह्यूमंस गॉड नहीं बल्कि मॉन्स्टर है। फ्रैंक को छोड़कर सभी उस पे हंसने लगते है। थक कर वो वहां से जंप कर अपने आप को खत्म करने की कोशिश करता है पर फ्रैंक अपने पैकेज से जंप कर उसे पकड़ लेता है और बाहरी दुनिया के बारे में पूछता है। वो जार उससे फायर बॉटल से बात करने का कहकर नीचे छलांग मार देता है। तभी एक और आदमी की कार्ड उनके कार्ड से टकरा जाती है जिससे कि सभी नीचे गिर जाते है। तुरंत ही वहां पर अफरा तफरी मच जाती है। कई अपनी जान गंवाते तो कई बुरी तरह से घायल हो जाते। तभी फ्रैंक और लिंडा एक कार्ट के नीचे आने से बाल बाल बचते। इसी दौरान वो कस्टमर बैरी और कई और सॉसेज को लेकर वहां से निकल जाती है। वही स्टोर में गुस्सेल डॉश जो उस कार्ट से निकल कर गिर गया था वो फ्रैंक और ब्रिंडा को एक्सीडेंट के लिए जिम्मेदार ठहराता है और उन पर अटैक करने लगता है। हालांकि इससे पहले वो कुछ कर पाता स्टोर मैनेजर उसे पकड़ कर बाहर फेंक देता है। बचते बचाते फ्रैंक और ब्रिंडा एक शेल्फ के पीछे भागते। वहां उन्हें दो एक्सीडेंट सर्वाइवर करीम और सैमी मिलते हैं जिनके आपस में बिल्कुल नहीं बनती थी। थोड़ी ही देर में वो स्टोर क्लोज हो जाता है और वे सभी डिसाइड करते हैं कि अपने अपने शेल्फ में जाकर दूसरे पैकेज में एंटर हो जाएंगे ताकि उन्हें कोई सिलेक्ट कर ले। सभी एक शेल्फ के टॉप पर चढ़ने लगते है। वही दूसरी ओर हम डॉश को देखते है जो किसी तरह से बच जाता है। वहां उसे एक इंजर्ड जूस बॉक्स नजर आता है। वो उसका सारा जूस पीकर अपने आप को ताकतवर बना लेता है और उसका स्टिकर अपने गांव पर लगाकर फ्रैंक से बदला लेने के लिए निकल जाता है। वही दूसरी ओर फ्रैंक और उसके साथी घूमते हुए लीकर सेक्शन में पहुंच जाते है। तभी फ्रैंक को फायर वाटर का शेल्फ नजर आता है। बाहरी दुनिया की रियलिटी जानने के लिए फ्रैंक वहां चला जाता है जबकि बाकी का ग्रुप उसका बाहर इंतजार करता है। अंदर फ्रैंक फायर वाटर को कैंपिंग करते हुए देखता है। वो उसे ग्रेट बियॉन्ड के बारे में पूछता है। थोड़ी देर में फायर वाटर के दोस्त भी वहां पहुंच जाते हैं। वे कभी भी एक्सपायर नहीं होते थे यानी वो इमोर्टल थे। वे उसे ग्रेट बियॉन्ड के बारे में बताने लगते है। सालों पहले सभी ग्रोसरीज को यह पता था कि ह्यूमंस उन्हें मार कर खा जाते है जिससे कि सुपरमार्केट में हमेशा खौफ मचा रहता था। इसलिए उन लिकर बॉटल ने ग्रेट बियॉन्ड के बारे में मिथ स्प्रेड कर दिया। आने वाले सालों में पूरे स्टोर ने इसे सच मान लिया। फ्रैंक सच्चाई जानकर शॉक होता है और सभी को यह सच्चाई बताने के लिए निकलता है पर उसके पास कोई प्रूफ नहीं होता तो वो उनसे मदद मांगता है। वे उसे डार्क आइल पर जाने के लिए कहते। वही बाहर ब्रिंडा और उसके साथी फ्रैंक का काफी देर से इंतजार कर रहे थे। वे काफी चिंता करने लगते हैं। तभी एक टकीला बॉटल उन्हें बताता है कि उसने फ्रैंक को देखा है और उन्हें अपने साथ उसके पास ले जाने लगता है। वो उन्हें एक बार में ले जाता है। वहां उन्हें बैठने का कहकर खुद फ्रैंक को लेने चला जाता है। वे वहां पर बैठे होते है कि वहां पर टेरेसा आकर उन्हें बताती है कि वे डॉश के ट्रैप में फंस चुके। दरअसल उस टकीला बॉटल को डॉश ने ही भेजा होता है। उसकी बात मानकर सभी एक क्लोजेट में छुप जाते है। तभी डॉश वहां पर पहुंचता है पर ब्रिंडा और उसके साथी वहां से जा चुके थे। गुस्से में वो उसी टकीला को फोड़ कर मार देता है। वही दूसरी ओर बैरी और उसके साथी उस लेडी कस्टमर के घर तक पहुंच चुके थे। ग्रेट बियॉन्ड पहुंचने की खुशी में वे सभी नाचने लगते हैं। जल्दी वो लेडी एक पोटैटो को उठाकर उसे छीलने लगती है। सभी की खुशी खौफ में बदल जाती है।
वे चिल्लाने लगते, वही कई अपनी जान गवा देते। तभी बैरी और काल वहां से भागने लगते, पर वो लीडी उन्हें देख लेती है और छुरी से काल को काट देती है। वही बैरी खिड़की से नीचे गिरकर अपनी जान बचाता है। वही स्टोर में ब्रिंडा और उसके साथ अभी भी फ्रैंक को खोज रहे थे। तभी डॉश वहां पर पहुंच कर उन्हें घेर लेता है। वो ब्रिंडा पर अटैक करता है, पर होशियारी से वो उसका स्टिकर निकाल कर उसे स्टन कर देती है। मौका पाकर वे वहां से भागने लगते है। वे सभी वहां से निकल जाते है, पर ब्रिंडा वहीं पर फंस जाती है। डॉश उसको पकड़ने वाला था कि अपने दोस्तों की मदद से वो वहां से बाहर निकल जाती है। वे सभी उसका मजाक उड़ाकर वहां से निकल जाते है। वही दूसरी ओर बैरी अपने आप की जान बचाते हुए एक बेंच के नीचे छुपता है। तभी वो एक आदमी को उस सुपरमार्केट का बैग पकड़े हुए देखता है। वो सोचता है कि वो आदमी उसे उस सुपरमार्केट तक ले जा सकता है, जिससे कि वो सभी को बाहरी दुनिया के बारे में बता सके। बैरी उस आदमी की कार को लटक कर उसके साथ चला जाता है। वही दूसरी ओर फ्रैंक ब्रिंडा और अपने साथियों से मिलता है। वो उन्हें ह्यूमंस के बारे में बताता है और प्रूफ ढूंढने के लिए अपने साथ चलने के लिए कहता है, पर ब्रिंडा उसकी बात में बिलीव नहीं करती और उसे भी अपने साथ घर चलने कहती है। वे आपस में आर्ग्यू करने लगते हैं, जिससे कि उन्हें अपने रास्ते बदलने पड़ते हैं। ब्रिंडा और बाकी अपने अपने सेक्शन की ओर बढ़ते हैं, जबकि फ्रैंक अकेला ही प्रूफ ढूंढने निकल जाता है। वही बैरी उस आदमी के घर पहुंचता है। वो आदमी एक ड्रग एडिक्ट था। ड्रग लेकर उसे हेलुसिनेशन होने लगते है। नशे में उसे बैरी और साथी सभी ग्रोसरीज दिखाई देने लगते है। बैरी उसे सुपरमार्केट ले जाने कहता है, पर ऑर्डर्स के कारण वो वहीं पर बेहोश हो जाता है। वही स्टोर में सभी अपने अपने सेक्शन तक पहुंच जाते हैं। करीम और सैमी, जिनकी पहले आपस में बिल्कुल नहीं बनती थी, वे भी अब अच्छे दोस्त बन जाते हैं। वे अपने आप को दूसरे पैकेट में पैक कर लेते हैं। दूसरी ओर बैरी अपने नए दोस्तों के साथ सुपरमार्केट तक पहुंचने की प्लानिंग कर रहा था। तभी वो आदमी होश में आता है, पर नशा उतरने के कारण उसे अब सब नॉर्मल दिखाई देता है। वो बैरी को उठाकर उसे कुक करने के लिए उबलते पानी में डाल देता है। वही दूसरी ओर फ्रैंक डार्क आइल्स तक पहुंच चुका था। वहां उसे एक कुकिंग बुक मिलती है। वहां कई फूड प्रोडक्ट्स को खाते हुए फोटोज होती है। प्रूफ के लिए वो कई पेजेस फाड़ लेता है। वही हम डॉश को देखती है, जो कई बॉटल्स को पीकर अब और भी ताकतवर हो चुका था। अब फ्रैंक स्टोर के कंट्रोल सेंटर में जाकर कैमरा के जरिए सभी को ह्यूमंस की सच्चाई बताने लगता है। वो उन्हें कुक बुक के फोटो के जरिए प्रूफ भी देता है। सभी डर के मारे चिल्लाने लगते है, पर जल्दी उन्हें समझ आता है कि वे ह्यूमंस का सामना नहीं कर पाएंगे। इसलिए वो फ्रैंक की बात ना मानकर ह्यूमंस को ही गॉड मानने का डिसाइड करते है। जल्दी स्टोर ओपन होता है और ह्यूमंस अपनी शॉपिंग करने लगते है। घबराहट में फ्रैंक ब्रिंडा की ओर भागता है, पर एक लेडी कस्टमर ने उसे ऑलरेडी पिक कर लिया था। वह उसके पीछे भागता है, पर जल्दी वे कई गायब हो जाते हैं। फ्रैंक अपनी सारी उम्मीद खो चुका था कि तभी बैरी वहां आकर उसे हौसला देता है। वो उस आदमी का कटा हुआ सिर फ्रैंक को दिखाकर कहता है कि वे ह्यूमंस को हरा सकते है। दरअसल बैरी कुकर में गिरने की बजाय नीचे गिर गया था, और मौके का फायदा उठाकर बैरी उस आदमी के शूज लेसेस खींचकर उसे गिरा देता है। तभी वो कुल्हाड़ी उसकी गर्दन पर गिर जाती है, जिससे कि वो मारा जाता है। अब बैरी और उसके नए साथी ड्रग से भरे एरोस तैयार कर ह्यूमंस पर इंजेक्ट करने लगते हैं। ड्रग्स के कारण जल्दी सभी को ग्रोसरीज बातें करते हुए नजर आते हैं, और वो लेडी वहां से भागने लगती है। तभी फ्रैंक स्टोर का दरवाजा लॉक कर देता है, जिससे टकराकर वो नीचे गिर जाती है। फ्रैंक और ब्रेंडा फिर से रियूनाइट होते हैं और सभी को लड़ने के लिए मोटिवेट करते हैं। तभी सारे ह्यूमंस पागलों की तरह उन पर हमला करने लगते हैं। वही एक आदमी उन्हें पैरों से कुचलने लगता है। तभी करीम और सैमी वहां आकर उन्हें बचा लेते हैं। मौका पाकर वे वहां से भागने लगते है। साथी सभी फूड्स उन पर अटैक करने लगते है। आखिर में वे उसे रस्सी से बांध लेते है। तभी मेंटोस और कोक उसके मुंह में एंटर करके उसे एक्सप्लोड कर देते है। वहां पर ह्यूमंस और ग्रोसरीज के बीच जंग छिड़ जाती है, जहां धीरे धीरे सभी ह्यूमंस अपनी जान गंवा देते है। आखिर में अकेला बचा स्टोर मैनेजर अपनी गन निकालता है। तभी डॉश वहां पर आकर उस पर अटैक कर देता है। वो उसकी बॉडी में एंटर करके उसे कंट्रोल करने लगता है। वो गन के जरिए कई ग्रोसरीज को मारता हुआ फ्रैंक को पकड़ लेता है। वो उसे मारने ही वाला था कि बैरी एक प्रोपन टैंक के जरिए उन पर हमला कर देता है। सभी साथ मिलकर उन्हें आसमान की ओर मोड़ देते हैं, जहां वे एक्सप्लोड होकर मारे जाते हैं। सभी अपनी जीत सेलिब्रेट करने लगते हैं। आखिर में वे फायर वाटर से मिलते हैं, जो उन्हें बताता है कि वे कोई रियल वर्ल्ड में एग्जिस्ट नहीं करते, बल्कि वे तो बस कार्टून कैरेक्टर है जिन्हें कुछ एनिमेटर्स कंट्रोल करते हैं। सभी एनिमेटर्स से मिलने का डिसाइड करते हैं, और मूवी के आखिर में सभी एक टेलीपोर्टेशन मशीन के जरिए रियल वर्ल्ड में जाने लगते हैं।